अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैरियट इन कराची की जो लीज़ के हवाले से अपडेट्स आ रही थी, उसके हवाले से 8 सितंबर को एक अपडेट हमारे पास आई, जिसमें ये बताया गया कि बैरियट ऑन ने 38 करोड़ का जो चलान था फॉर लीज़ के लिए, जो सिक्योरिटी कमेटी ने इनको चलान इशू किया था, वो इन्होंने अभी तक नहीं जमा कराया, जिसकी वजह से डिले हो सकता है लीज़ का प्रोसेस। और लगता ये है कि या तो लीज़ के हवाले से बैरिया को फर्दर एक्सटेंशन चाह रहा है, या फिर बैरिया डिलेइंग टैक्स में जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जब आपने पैसा आगे भरना है तो आपने उनके लॉ इसको भी फॉलो करना है। अभी बैरिया क्योंकि लीज़ नहीं है, तो बैरिया अपनी मर्ज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ें मतलब उसने वो पुट अप करनी है, जिधर प्लॉट देने हैं, कहाँ पे पार्क्स देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह के देना अपने हिसाब से देना है। लेकिन अगर जहाँ पे लीज़ हो जाती है तो फिर वहाँ पे SBCA के लॉज इम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं। अभी ये रोज़नामा मुकदमा की 8 सितंबर की न्यूज़ है, जिसमें उन्होंने लिखा है बैरियट ऑन कराची 38 करोड़ का चलान जमा ना करा सका। SBCA की जानब से जारी करदा स्क्रूटनी चलान जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त होता है। 1 महीना गुजर जाने के बावजूद बैरियट ऑन इंतजामिया ने स्क्रूटनी फीस का चलान अभी तक जमा नहीं करवाया। स्क्रूटनी फीस का चलान जमा ना कराने की वजह से बैरियट ऑन कराची की रेगुलराइजेशन मुतासर हो सकती है। मुतासर से मुराद हम इसको यही समझें कि इसमें डिले आ सकता है, और यह हो सकता है कि फर्दर एक्सटेंशन में कुछ एरिया, क्योंकि 16,000 एकड़ में फर्स्ट फेज के जो है वो 12,000 एकड़ का जो लेट प्लान था वो अप्रूवल के लिए गया था, और उसको SBCA ने इनको चलान इशू किया था, जो अभी तक इन्होंने जमा नहीं कराया। बाकी नीचे खबर की डिटेल है, उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि जी स्क्रूटनी फीस का चलान था, जमा ना नहीं करवाया जा सका, और बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विलाज बन चुके हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बन चुकी हैं, इस तरह की फर्दर डिटेल दी गई हैं। बैरियट ऑन कराची एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ा यहाँ पे एक टाउन बन रहा है, और आने वाले वक्त में शायद ये मिनी कराची भी के नाम से भी हम इसको जानेंगे। बैरियट ऑन एक इस वक्त जो फैक्ट बन चुकी हुई है, इसको सिर्फ और सिर्फ लीज़ अगर हो जाता है तो फर्दर लोगों का ट्रस्ट जो है इसके ऊपर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि लीज़ के ऊपर करवाने पे इसमें पैसे लगते हैं, फर्दर ये तो चलान है, इसके अलावा भी आपको पता ही है कि अदारों के अंदर ब्राइब्स और इस तरह के जो मतलब साइड पे जो अंडर द टेबल डील्स होती हैं वो भी चीज़ें काफ़ी हद तक चलती हैं। तो जैसे ही लीज़ आएगी तो आप लोग देखेंगे कि अभी बहुत सा एक तबका ऐसा है कराची का जो बैरियर पे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि लीज़ नहीं है। और फिर हम अगर बात करें कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने लोन लेना होता है, जब तक प्रॉपर्टी लीज़ नहीं होती गवर्नमेंट से या किसी भी मुतलका अदारे से, तो वहाँ पे बैंक्स जो है आपको लोन इशू नहीं करते। और बैरियट ऑन कराची के हवाले से फर्दर डेवलपमेंट या अपडेट्स जैसे ही आएंगी हम इंशाल्लाह ताला आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।